माता जी, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के स्टूडियो में हम कुंभ लग्न में शेयर मार्केट में लॉस के योगों की चर्चा करेंगे। पहले सीरीज में 10 वीडियो बन चुके हैं मकर लग्न तक, तो आप उसमें जो अलग अलग लग्न है तो आप उसमें अपना कुंडली का फल देख सकते हैं। ये कुंभ लग्न की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और इसके बाद आखिरी मीन लग्न का वीडियो बनेगा, इस सीरीज का 12वां लग्न। अब अगर हम बात करें कुंभ लग्न की शेयर मार्केट के योगों के बारे में, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ हर इंसान पैसा नहीं कमाता है। बहुत से लोग शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा कमाने के लिए उतरते तो है, लेकिन खुद की मूड़ी भी साफ करके बाहर निकलते हैं। तो देख लीजिए, योग है तो ही उसमें उतरिए, नहीं तो जो शांति की नींद है जो है आपके पास वो भी मत खो दीजिए। कुंभ लग्न है, ज्योतिष कोई डराने का विषय नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर किसी चीज कोई रास्ता अगर आपके लिए अगर आपको नुकसान दे है तो हम रास्ता तो बदल सकते हैं, हम दूसरी लाइन तो चूज कर सकते हैं। ये कुंभ लग्न है, इसमें पैसे का मालिक होंगे गुरुदेव यानी बृहस्पति। तो यहाँ पे जो गुरु है ये नीच के होंगे 12वें घर में। ये बहुत खराब पोजीशन होगी शेयर बाजार में बड़ी रिस्क करने वालों के लिए। इसका नीच भंग हुआ है तो अच्छी बात है, इसका नीच भंग नहीं हुआ है तो ये बहुत बड़े लॉस की तरफ लेके जा सकता है आपको, बहुत बड़े लॉस की तरफ। दूसरी बात, ये फिफ्थ हाउस जो कि शेयर मार्केट का हाउस होता है, इसका मालिक है बुध, और बुध होगा यहाँ पे पैसे के भाव में नीच का। ये भी बहुत खराब सिचुएशन होगी, क्योंकि शेयर मार्केट का मालिक ही नीच का होगा और वो भी पैसे के भाव में। तो ऐसे में जब इसकी दशा आएगी तब तो खास शेयर मार्केट में आपको कोई बड़ा पैसा डूब सकता है, ऐसा हमारा अनुभव हुआ है। और वो शेयर मार्केट का ही कारक है, लेकिन हाँ, नीच भंग के योग मौजूद है, दूसरे आपके कमाने के योग पावरफुल है, समझिए दूसरे को योग मौजूद है तो आप थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर रिस्क मत करिए, ऐसा बुध आपका पैसा कोई बड़े लेवल पे फंसा सकता है। 7वां घर शेयर मार्केट यानी भागीदारी होती है, इसका मालिक होता है सूर्य। सूर्य अगर यहाँ पे नीच के होते हैं तो फिर ये चीज भागीदारी में नुकसान देगी, भागीदारी में आपको बड़ा नुकसान होगा, यानी शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान ही देगा ऐसा सूर्य। उसका नीच भंग नहीं है तो फिर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। 10वां घर जो कि हमारी आजीविका होती है, मेन हमारा बिजनेस। हाँ, कुछ लोग जैसा कि शेयर को ही अपना बिजनेस बना रहे हैं, रोजी रोटी के लिए साधन बना रहे, आजीविका बना रहे, तब इसका मालिक होगा मंगल। उसका योग भी देखना जरूरी होगा, वो अगर यहाँ पे होंगे तो हो जाएंगे नीच के, तो वो भी आपको ऐसे क्षेत्र में कोई बड़ी नुकसानी देंगे। अगर ऐसे ग्रह मौजूद है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। 12वां घर है, यहाँ पे गुरु नीच का है तो नुकसानी बहुत बहुत ही स्ट्रांग होगी, ऐसे में तो रिस्क करना ही नहीं चाहिए। अब इसका मालिक, समझिए यहाँ गुरु नहीं है लेकिन इसका मालिक भी देखना होगा लॉस हाउस का। इसका मालिक शनि अगर यहाँ पे नीच के है, इसके मालिक अगर शनि यहाँ पे नीच के है तब भी बड़ी नुकसानी के योग बनेंगे। ऐसे अगर शनि मौजूद है तब भी शेयर बाजार से आपको बचना चाहिए, बहुत बड़ी रिस्क से बचना चाहिए। ठीक है, 2-5%, 10% शौक से कर रहे हो, लंबे टर्म के हिसाब से शेयर में प्रॉपरली अगर कर रहे हो तो बात अलग है। एमसीएक्स ज्यादा रिस्क अगर बड़े लेवल पे कर रहे हो तो आपको कोई बड़ी नुकसान नहीं देगा। राहु यहाँ पे मतांतर से, ये राहु की दूसरी नीच की राशि है। कुछ लोगों को सवाल उठेगा जो लोगों ने ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि धनु में नीच का होता है राहु, लेकिन मतांतर से दूसरी राशि वृश्चिक में भी राहु नीच का माना जाता है। और ये यहाँ अगर यहाँ पे ऐसा राहु है तब भी वो चीज आपके लिए शेयर मार्केट के लिए नेगेटिव होगी। इसके अलावा ये ग्रह तो हो गए जनरली, ये अगर ग्रह मौजूद है तो ये तो नुकसान ही देने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा एक और चीज है कि समझिए, दूसरा भाव, ये 5वां भाव, ये 7वां भाव, ये 10वां भाव और ये 12वां भाव, अगर इन खानों में, अगर इन भावों में समझिए कि चांडाल योग है जो कि गुरु राहु गुरु केतु से बनता है, समझिए श्रापित योग है जो कि शनि राहु शनि केतु से बनता है, समझिए कि ग्रहण योग है जो कि सूर्य चंद्र राहु केतु के साथ आते हैं तब बनता है, या विष योग है जो कि शनि चंद्र से बनता है। तो अगर ऐसे कोई भी योग इस दूसरे भाव में, पांचवे शेयर बाजार के भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में है तो आपको बड़ी नुकसानी दे सकते हैं। और ये योग अगर 11वें घर में भी आते हैं तब भी वो आपको रुकावट पैदा करेंगे। तो ऐसे कोई भी योग अगर मौजूद है तो कोई बहुत बड़ी रिस्क आपको शेयर बाजार में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बड़ी नुकसानी होगी। इसके बाद अगले सीरीज में हम अगले काफी सारे ज्योतिष के इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे, काफी सारे टॉपिक्स लेंगे। अगर हमारे कार्यालय से आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारी फीस ट्रांसफर करके फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग इसी तरह दिखा रहे हैं। धन्यवाद।